चलो देखो, इसमें टाइम डिस्टेंस और स्पीड जो है कैट और इस तरह के सारे एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसमें तीन चार अलग अलग सेक्शंस होते हैं, बट इसमें रिलेटिव वेलोसिटी वाला बहुत इंपॉर्टेंट है, तो उसको देख लेते हैं हम लोग। तो देखो यहाँ तक मैं ये चाहूँगा, शायद आपको ये फॉर्मूला पता है, होना भी चाहिए, कि भाई जो डिस्टेंस लिखेंगे ये क्या हो जाएगा, स्पीड इंटू टाइम। तो अगर डिस्टेंस को आप डी से लिखते हैं तो ये स्पीड इंटू टाइम होना चाहिए, ठीक है। तो आज हम लोग एक पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं, वो कौन सा है, रिलेटिव स्पीड, ठीक है, कि रिलेटिव स्पीड एंड वेलोसिटी से लिखेंगे हम लोग इसको, है ना। तो जैसे यहाँ पे हमने देखो इक्वेशन दिया हुआ है, ये कैट 2004 का है। तो अगर एक बार कॉन्सेप्ट में क्लैरिटी हो रिलेटिव वेलोसिटी के लिए, तो बहुत इजी होगा इसको सॉल्व करना। तो आप एक बार देखिए, समझने की कोशिश करिएगा, बहुत इजी है। तो देखो रिलेटिव वेलोसिटी या रिलेटिव स्पीड के जो कॉन्सेप्ट यूज करते हैं, ठीक है, ये तब करते हैं जब दो अलग अलग ऑब्जेक्ट होंगे या ज्यादा ऑब्जेक्ट होंगे जिसमें दोनों का मूवमेंट है। फॉर एग्जाम्पल एक ये क्वेश्चन ले लिया, या फिर ट्रेन ओवरटेक करने का टाइम हो जाए या ट्रेन को क्रॉस करने का टाइम हो जाए, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि लाइक सपोज वी हैव टू डिफरेंट बॉडीज मूविंग विथ डिफरेंट डिफरेंट वेलोसिटीज, लाइक ए इज मूविंग विथ वी ए टूवर्ड्स बी, ठीक है, एंड बी इज मूविंग विथ सेम, या बी इज मूविंग विथ वेलोसिटी वी बी टूवर्ड्स पॉजिटिव एक्स एक्सिस, ठीक है। एक ऐसा सिचुएशन हो सकता है। दूसरा सिचुएशन क्या हो सकता है, ऐसे बहुत सारे हो सकते हैं, मतलब दो सिचुएशन में बताता हूं, यहां से समझ आ जाएगा कि फिर से इन नेक्स्ट केस ये वी ए से चला और ये वी बी से इधर आया। तो देखो यहां तक हमें पता होता है कि रिलेटिव वेलोसिटी ऑपोजिट डायरेक्शन में हम लोग ऐड कर देते हैं और सेम डायरेक्शन में क्या करेंगे, सबट्रैक्ट करेंगे। लेकिन सिर्फ इतने से कॉन्सेप्ट से काम बहुत नहीं चल रहा है, एक थोड़ा सा फंडा है, वो एक बार क्लिक हो जाए तो बहुत ईजी होगा। तो देखो कि लाइक इसमें अगर हमने कह दिया कि सपोज द इनिशियल सेपरेशन बिटवीन ए एंड बी इज एल, ठीक है, तो एग्जैक्टली सेम सिचुएशन यहां पे भी वैलिड है कि भाई द डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल सेपरेशन बिटवीन ए एंड बी इज एल, ठीक है। अब मैं यहां पे कहता हूं कि भाई यहां से अगर क्वेश्चन फॉर्म करना हो तो लाइक आप ये कह रहे, आपसे ये कह रहे कि सपोज वी ए इज ग्रेटर देन वी बी, तो डेफिनेटली ए बी को ओवरटेक कर लेगा। अब क्वेश्चन है कि ये मान लो कब ओवरटेक करेगा, या जब ओवरटेक करेगा तो किस पॉइंट पे ओवरटेक करेगा। दूसरे क्वेश्चन में क्या आ सकता है कि कौन से टाइम पे दोनों कोलाइड करेंगे ए एंड बी, ठीक है, या किस पॉइंट, फाइंड द पॉइंट ऑफ कोलिजन, ये पूछ सकता है। तो यहाँ पे रिलेटिव वेलोसिटी का जब हम लोग कॉन्सेप्ट यूज करते हैं, तो जो नॉर्मली आप फॉर्मूला पढ़ते हो बुक्स के अंदर, उसको थोड़ा सा एक्सटेंड करने की जरूरत है उस कॉन्सेप्ट को, तो वो सारे क्वेश्चंस को विजुलाइज कर पाएंगे हम लोग इजीली। वो क्या है, यहाँ पे जैसे फर्स्ट केस, ये हमें पता है कि अगर दो सेम डायरेक्शन में, तो अगर वी ए बी हम लोग लिखते हैं, ठीक है, तो ये वी ए माइनस वी बी हो जाएगा, सेम डायरेक्शन में सब्ट्रैक्ट करना है, ठीक है। और यहां पे अगर हमें लिखना होता तो आप वी ए प्लस वी बी लिख देते। यहां तक समझ आ रहा है, इसको थोड़ा सा एक्सटेंड करिए आप इस कॉन्सेप्ट को, यहां तक तो पता है कि भाई सेम डायरेक्शन में ऐड सब्ट्रैक्ट करना है, ओपोजिट डायरेक्शन में ऐड करना है। एक्सटेंड करने का मतलब ये हो गया कि ए बी लिखा है, इसका मतलब दिस इज द वेलोसिटी ऑफ, दिस इज द वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी, मतलब जो पहले आ रहा है उसकी वेलोसिटी लिख रहे हैं, जो बाद में आ रहा है उसके रेस्पेक्ट में लिख रहे हैं। यहां तक समझ आ रहा है। तो आपको सिर्फ एक की पॉइंट क्या यूज करना है कि जो भी ऑब्जर्वर है, मतलब जिसके फ्रेम में लिख रहे हैं, दिस इज द ऑब्जर्वर, ठीक है। तो अगर आप बी के फ्रेम में लिख रहे हो देन बी इज द ऑब्जर्वर। तो अगर हमें ए की वेलोसिटी बी के फ्रेम में लिख ली है, एक बार आपने ये टास्क कंप्लीट कर लिया, तो जो नेक्स्ट जो स्टेप है उसमें आपको क्या करना है, चाहे क्वेश्चन कुछ भी हो, जिसको भी आपने ऑब्जर्वर बनाया है उसको आप स्टेशनरी कर दोगे, ठीक है। लाइक हमने वी ए बी यहां पे लिखा है, देन बी इज द ऑब्जर्वर, तो बी को हमें स्टेशनरी करना है, मतलब इसको रेस्ट पे ले आना है। ये की पॉइंट है, उसके बाद क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। अब बस बाकी सब कुछ बिल्कुल वैसा ही रहेगा, ये आपने याद किया हुआ है कि सेम डायरेक्शन में सब्ट्रैक्ट होता है, ओपोजिट डायरेक्शन में ऐड होता है, ठीक है। अब अगर मैं फर्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करता हूँ विद द हेल्प ऑफ दिस कॉन्सेप्ट ऑफ रिलेटिव मोशन, तो क्या हो जाएगा कि इनिशियल सेपरेशन बिटवीन ए एंड बी वॉज एल, और आपसे कह रहे कि किस टाइम पे ए बी को ओवरटेक कर लेगा, ठीक है।
तो अगर मैं यहां पे लिखना चाहूं, मैं फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूं कि वी ए बी कितना हो जाएगा, वी ए प्लस सॉरी वी ए माइनस वी बी, बिकॉज जो दोनों के मूवमेंट का डायरेक्शन है वो एक ही है, यहां तक लिख लिया। अब देखो जैसे वी ए बी लिखा मतलब ए की वेलोसिटी लिख रहे हैं, बी इज द ऑब्जर्वर, तो बी को आप रेस्ट पे रख लो, ठीक है, बी को क्या करोगे रेस्ट पे ले आओगे, पूरा सिचुएशन चेंज होगा। कैसे चेंज होगा, तो देखो जैसे हम लोग रिलेटिव पे गए, अब ये गायब हो गया और इसके पास जो वी ए था नाउ इट बिकम्स, ठीक है, अब इसके अकॉर्डिंग आप विजुअलाइज करेंगे, है ना, तो अब क्या हो जाएगा ए, नाउ ए इज मूविंग विथ वी ए माइनस वी बी टूवर्ड्स अ स्टेशनरी ऑब्जेक्ट बी। अब अगर बी को ओवरटेक करना है कितना टाइम लगेगा, सिंपल ये फॉर्मूला यूज करिए, डिस्टेंस इज एल वी ए माइनस वी बी, ठीक है। तो इसमें क्या करना है हमारे को कि जो भी ऑब्जर्वर है उसको स्टेशनरी बनाना है। सेकेंड केस, अब यहां पे क्या है दोनों ओपोजिट डायरेक्शन में चल रहा है, तो ओपोजिट डायरेक्शन में आ रहा है तो हमें क्या करना है, मान लो इक्वेशन आ गया कि किस पॉइंट पर कितने टाइम पे, किस टाइम पे कोलिजन होगा, ठीक है। तो अगर हमने वी ए बी लिखा हुआ है, फिर से आप देखिए बी ऑब्जर्वर है तो हम लोग क्या करेंगे, बी रेस्ट पे आ गया, बट अब क्या होगा ए वी ए प्लस वी बी से मूव करेगा। अब तुम्हें नए तरीके से क्या करना, बस बी को जो भी ऑब्जर्वर हुआ है उसको स्टेशनरी अज्यूम करके आगे चले जाना है, ठीक है। तो अब देखिए इसमें बी स्टेशनरी हो गया, तो वी ए प्लस वी बी से ए मूव कर रहा है टुवर्ड्स बी, तो अब कोलिजन के लिए कितना डिस्टेंस ट्रेवल करना है, एल, तो क्या लिखोगे आप, एल अपॉन वी ए प्लस वी बी। यहां तक समझ आ रहा है, देखो सही रेल वाले क्वेश्चन में है ना, जो ट्रेन वाला क्वेश्चन होता है वहां भी हर जगह पे यूज कर सकते हैं, जहां पे भी दो या दो से ज्यादा ऑब्जेक्ट्स का मूवमेंट होगा, ठीक है। तो अभी तक जो आपने समझा कि भाई ये तो फॉर्मूला पता है हमें, ठीक है, कि भाई डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। नया क्या किया हमने कि अगर दो ऑब्जेक्ट मूव कर रहा था हमने रिलेटिव वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट लिखा, उसमें आपको पता था कि भाई सेम डायरेक्शन में आप सब्ट्रैक्ट करते हो, ओपोजिट डायरेक्शन में क्या करते हो ऐड करते हो, ठीक है। अब देखो नई चीज क्या सीखी कि जो ऑब्जर्वर था उसको स्टेशनरी बना करके नया सिचुएशन आप सोचते थे और वहां से सॉल्व करते थे। सपोज दो ट्रेन है, ठीक है, लेंथ ऑफ फर्स्ट ट्रेन इज L1 एंड दैट ऑफ सेकंड ट्रेन इट इज L2, ठीक है। अब इसमें कह रहा है कि भी फर्स्ट ट्रेन की वेलोसिटी V1, ये शायद आपको पता होगा, इसका एक फिक्स मेथड हम लोग पढ़ते हैं, बट यहाँ पे मैं जो नया कॉन्सेप्ट मैंने बताया उसके हिसाब से सॉल्व करना सिखा रहा हूं ताकि आप कॉन्फिडेंट हो जाएं। अब वी ए वी बी वी वन वी टू गिवन है एंड गिवन है वी वन इज ग्रेटर देन वी टू, डेफिनेटली क्रॉस कर लेगा वो, उसको ओवरटेक कर लेगा ए, मतलब फर्स्ट ट्रेन सेकेंड ट्रेन को ओवरटेक करेगा, तो टाइम ऑफ ओवरटेकिंग पूछ रहा है, वो इंटरवल पूछ रहा है आपसे। तो इसमें फिर से क्या करेंगे हम लोग, ए ओवरटेक करेगा मतलब फर्स्ट ओवरटेक करेगा सेकेंड को, तो हमें वी वन टू लिख लेना है, मतलब रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ वन ट्रेन वन विथ रिस्पेक्ट टू टू, सेम डायरेक्शन है, क्या करोगे आप सब्ट्रैक्ट कर दिया, ऑब्जर्वर कौन है सेकेंड, सेकेंड अब स्टेशनरी हो गया, ठीक है, सेकेंड जैसे स्टेशनरी हुआ अब फर्स्ट ने क्या किया, अब किस वेलोसिटी से मूव करना शुरू कर दिया, v1 माइनस v2। देखो एनालाइज करना बहुत ईजी, जब दोनों मूव कर रहा होता है तब मुश्किल होती है, एक जैसे स्टेशनरी हो गया बहुत ईजी सिंपल क्वेश्चन हो जाता है। अब देखो ओवरटेक करने के लिए ये यहां से चल रहा होगा, यहां तक आएगा, जब ये ट्रेन ऐसा होगा तब आपको होगा यस ओवरटेकिंग कंप्लीट हो गया है, तो अब हमें सिर्फ फर्स्ट को ऑब्जर्व करना था, तो देखो यहां तक चला कितना चला होगा, यहां लिख सकते हैं ना, तो ये यहां तक पहुंच रहा है फिर ये यहां पहुंच जाता है तभी ओवरटेक करना कंप्लीट हुआ। अब अगर आप देखोगे इस पॉइंट को देखो कितना मूव किया, L2 प्लस L1, क्योंकि इस ट्रेन की लेंथ कितनी है L1, तो देखो टाइम क्या लिखोगे L1, ये L2 लिख दिया प्लस L1 अपॉन वेलोसिटी, वेलोसिटी कौन सा लिखेंगे दिस रिलेटिव टर्म, ठीक है। अब मैं इस कैट वाले क्वेश्चन की बात करता हूं जिसमें हम लोग सिर्फ फिर से यही कॉन्सेप्ट यूज करेंगे और उसको सॉल्व करेंगे। देखो नया हमने सिर्फ ये सीखा है रिलेटिव वेलोसिटी आपको पता है, ये याद करते हैं आप कि भाई सेम डायरेक्शन में तो सब्ट्रैक्ट करना, ओपोजिट डायरेक्शन में तो ऐड करना है। यहां पे देखिए टू बोट्स ट्रैवलिंग एट 5 and 10 किलोमीटर पर आवर, मतलब दोनों की वेलोसिटी गिवन है, द वेलोसिटी ऑफ फर्स्ट बोट इज
5 km per hour and that of second it is 10 km per hour. 10 km per hour. ठीक है, डायरेक्टली टुवर्ड्स ईच अदर, मतलब दोनों एक दूसरे की तरफ आ रहा है. इसको हमने V1 लिख दिया और इसको V2 लिख दिया. देखना, समझना है इसको कि भी ऐसे क्वेश्चन पढ़ो बड़ा मुश्किल लगता है. अगर हमने ये जो कॉन्सेप्ट नया मैंने सिखाया है अगर यहां से देखोगे तो बहुत ईजी होगा. ईच अदर दे बिगिन एट डिस्टेंस ऑफ 20 किलोमीटर. फ्रॉम ईच अदर. हाउ फार अपार्ट आर दे इन किलोमीटर्स? 1 मिनट बिफोर दे कोलाइड. अब देखना इस क्वेश्चन में क्या मुश्किल क्या है कि देखेंगे तो 20 किलोमीटर का मेरे ख्याल से कहीं यूज ही नहीं आएगा. अब देखो इसको क्या कर सकते. ये कह रहा है क्वेश्चन, अगर देखोगे तो ये कह रहा है कि भी कोलिजन के जस्ट 1 मिनट पहले उन दोनों के बीच का सेपरेशन क्या होगा. ठीक है, तो ऐसे सोचा जाए भाई ये भी चल रहा है ये भी चल रहा है, 1 मिनट का देखोगे लास्ट टाइम टोटल टाइम निकालोगे फिर 1 से माइनस करके देखोगे. बेस्ट तरीका क्या है, किसी एक को ऑब्जर्वर बना दो. ठीक है, अगर मैं V12 लिखता हूं तो कितना हो जाएगा? 5 + 10 15 किलोमीटर. लिख सकते यहां तक? समझ आ रहा है? अगर हम लोग यहां पे रिलेटिव वेलोसिटी की बात करते हैं तो रिलेटिव वेलोसिटी कितना आ गया? 5 + 10. प्लस 10 क्यों किया? दोनों ओपोजिट डायरेक्शन में था. अब इसमें देखो ऑब्जर्वर कौन है, मैंने अभी बताया था. जब भी आप लिखते हो तो एक स्पेशल मेथड, मतलब फिक्स मेथड याद रखना, जैसे जो पहले लिख रहे हो उसकी वेलोसिटी लिख रहे हो आप, जो बाद में आया वो ऑब्जर्वर है. तो अगर हमने 1 2 लिखा इट मींस कि दिस इज द वेलोसिटी ऑफ 1 विद रिस्पेक्ट टू 2. ट्रिक क्या है, जो ऑब्जर्वर है उसको रेस्ट पे रखना है, जो ऑब्जर्वर है उसको रेस्ट पे रखना है. तो यार ये सेकेंड है तो सेकेंड ऑब्जर्वर था, इसको हमने रेस्ट पे रख दिया. तो ये देखो रेस्ट पे आ गया. अब नया सिचुएशन क्या, एक स्टेशनरी ऑब्जेक्ट है दूसरा मूविंग ऑब्जेक्ट है, बट अब ये 5 से नहीं 15 से चल रहा है. तो ये जो ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सिचुएशन था थ्रू द रिलेटिव मोशन, ये कैसे आया समझ आ रहा है? अब देखना अब क्या होगा, नया सिचुएशन क्या, बहुत इजी सिचुएशन होता है, इसके बाद एनालाइज करना बहुत आसान होगा आपके लिए. अब ये इस तरफ मूव कर रहा है तो कोलिजन के लिए इसको 20 किलोमीटर चलना पड़ेगा, इसको कोलिजन के लिए 20 किलोमीटर चलना है. ठीक है, तो ये चल रहा है, कोलिजन हो जाता जस्ट बिफोर 1 मिनट. अगर मैं 1 मिनट पहले की बात करूं तो ये डेफिनेटली अपने टारगेट से पीछे होगा और वही पूछा गया है. ठीक है, तो टारगेट से कितना पीछे होगा, सपोज ये एक्स पीछे. देखो मैं समझाने के लिए थोड़ा टाइम ले रहा हूं, आप जब सॉल्व करेंगे तो हार्डली ये 30 सेकेंड्स का टाइम लेगा. तो देखना ये एक्स डिस्टेंस पीछे, वही सेपरेशन पूछ रहा है कि भाई बिफोर जो कोलिजन होगा उसके 1 मिनट पहले दोनों के बीच का सेपरेशन क्या था. तो इसका मतलब ये है कि अगले 1 मिनट में ये एक्स डिस्टेंस ट्रेवल कर लेता तो 1 मिनट में कितना डिस्टेंस ट्रेवल करता ये, दिस 15 × मिनट. तो ये मिनट को आर में चेंज करेंगे आप क्योंकि ये किलोमीटर पर आर में है, तो आप क्या लिखोगे 1/60. तो कितना आ जाएगा, 1/4 किलोमीटर. ये आंसर होगा. मैं फिर से एक बार एक्सप्लेन कर रहा हूं, देखिएगा. नॉर्मल मेथड मुश्किल देगा कि भाई एक इस तरफ से चल रहा है, आप ऐसा होगे तो यहाँ पे आप क्या करोगे, टाइम निकाल लोगे टोटल, फिर उसमें से -1 करके लिखोगे, फिर डिस्टेंस निकालोगे. यहाँ पे हमने क्या किया, एक किसी को ऑब्जर्वर बना दिया. तो जैसे रिलेटिव वेलोसिटी लेते हैं तो जो ऑब्जर्वर बनता है वो स्टेशनरी दिखने लग जाता है. ठीक है, तो यहाँ पे वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी कितना हो गया, 10 + 5 = 15. तो नया सिचुएशन क्या कहता है कि बी स्टेशनरी होगा और ए उसको अप्रोच करेगा और फाइनली जाके कोलाइड हो जाए, कोलिजन होगा. तो जब ए अप्रोच करेगा तो कितनी वेलोसिटी से, रिलेटिव वेलोसिटी 15. क्वेश्चन क्या था, 1 मिनट पहले दोनों के बीच का सेपरेशन क्या होगा. इसको उल्टा आप सोचिए भाई, थोड़ा एनालाइज करिए कि 1 मिनट पहले पूछ रहा है, मतलब 1 मिनट पहले कितना डिस्टेंस रह गया होगा कोलिजन के लिए ही निकालना है. तो देखो इस स्पीड से 1 मिनट में कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा ये, तो रिलेटिव वेलोसिटी मल्टीप्लाइड बाय टाइम. तो ये तो ठीक है, तो ये रिलेटिव वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट आप देखिए कहीं पे भी इसको यूज कर सकते हैं, जहां पे भी दो ऑब्जेक्ट है और दोनों में मूवमेंट है. तो आगे मैं नेक्स्ट वीडियो जो होगा टाइम डिस्टेंस और स्पीड पे, उसमें अलग अलग जैसे बोट वाला प्रॉब्लम जो स्ट्रीम के साथ जा रहे हैं उसके ऑपोजिट जा रहे हैं वो सभी डिस्कस करेंगे. ठीक है.